तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, प्लीज़ एंड तक वॉच करें। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, हाई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं सीपी साइकिलिंग करने के लिए। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैंने नहा लिया है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ऊपर, आप देख रहे होंगे ऐसे इधर भी एकदम अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो गाइज हम सीपी पहुंच चुके हैं और साइकिल हमें बैटरी वाली नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से एक साइकिल मिली है ये वाली, और एक मिली है उधर सुबह लेके गया है, पीछे लेके आ रहा है, बैटरी सबकी डिस्चार्ज हो रही है और ना इसमें ब्रेक लग रहे हैं। तो गाइस हम सीपी अब साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यो यो, तो गाइस हमें बड़ी मुश्किल से भाई 3 ही साइकिल मिली है बस, और हम एक पे 2 बैठ के जा रहे हैं और बैटरी एकदम डिस्चार्ज है इसकी। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पर। तो गाइस अभी हम बंगला साहिब पहुंचे हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं इंडिया गेट, हमारे पास 3 ही साइकिल है। तो गाइस आबू वाल आगे चले गए हैं और हम जा रहे हैं उनके साथ साथ पीछे पीछे, क्योंकि हमारी बैटरी नहीं है इसमें और बहुत स्लो चल रही है। हम 2 बंदे बैठे हैं, वो सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं, एक पे वो भी 2 बैठे हुए हैं, पर शुभम शुभम ये रहा, आ जाओ। तो गाइस इनके पीछे कुत्ते पड़ गए यहाँ पर, आगे गुरुदेव और शुभम के पीछे कुत्ते पड़ गए। हाँ भाई तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ गए क्या? गाइस इनके पीछे कुत्ते पड़ गए इसके भाई बैठ। तो गाइस हम घूम चुके हैं बहुत ज्यादा, हमें एक साइकिल पे 2 को बैठना पड़ रहा है, एक साइकिल पे 2 जनों को बैठना पड़ रहा है और बिल्कुल बैटरी नहीं है इसके अंदर, तो हम इंडिया गेट नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम सीपी घूम रहे हैं सर्कल में। गाइस हमने सुबह से साइकिल चेंज कर ली, जिसमें बैटरी कम थी वो उसको दे दी और अब दूसरी पीछे जा रहा, तो पीछे जा लगा था पीछे ये
तो गाइस अभी हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे पहुंचे हैं। ये देख रहे हो आप मेरे बगल में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है पीछे इस तरफ, और ये सब पीछे आ रहे हैं। गाइस पूरा एकदम ना मजा आ गया आज तो, पसीना पसीना हो गया पूरे हमारे। भाई साहब गिरावटी हो गिरोगे तो वो हाथ मत दे, और ये तो रिकॉर्ड हो रोहित को बहुत डर लग रहा है। अगर सिंगल सिंगल होती मजा आती। दोनों पकड़ो फिर बढ़ाऊँ थोड़ा, साइकिल आने दो। तो भाई सब अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने एकदम, और यहाँ से हम जा रहे हैं अब साइकिल खड़ी करने। साइकिल की बैटरी बहुत लो है, हमारे एक दोस्त शुभम की पीछे साइकिल चली रही है। भाई तू हाथ तक छोड़, हाथ तक छोड़। तो गाइस हमने यहाँ से साइकिल उठाई थी और यहीं पर ही खड़ी करने आ रहे हैं। देखो कितने सारे बंदे यहाँ पर। बहुत मजा आया आज यहाँ पर। हमने साइकिलिंग कर ली और हम आए हैं मैगी खाने के लिए, और एक भाई हमारे सैंडविच खा रहे हैं। ये सैंडविच खा रहा है, इसे मैगी पसंद नहीं थी। मैगी पॉइंट यहाँ देखो, आज साइकिलिंग करके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारे भाई लोग, और बस मास्क का कोई फॉलो नहीं है, विदाउट मास्क। मास्क के साथ कैसे खाना खाएंगे? हाँ थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये भाई है, इसने मैगी बनाई हुई, कश्मीरी मसाला डाल दिया लग रहा है। ये हमारे दीप भाई हैं, कश्मीरी बहुत हैं, कश्मीरी मसाला खाते कम हैं, कश्मीरी मसाला। ये हमारा थोड़ा साइलेंट भाई है, खाता ज़्यादा है, बोलते कम, लेकिन हल्की सी स्माइल देते हुए खुशबू।
आज हम सीपी कनॉट पैलेस में आए हुए हैं, देखो नज़ारा यहाँ पर देखते हुए, और साइकिलिंग करने आए थे। साइकिलिंग करने के बाद अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको भी ले लेते हैं। आए कर शर्मा ब्लॉग के नाम से है दीप शर्मा। ओके ओके बाय। भाई मैगी के बारे में बताएंगे आप, यहाँ पे मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्या टमाटर डालते हैं? क्या टमाटर बटर के साथ बनाते हैं? मैगी बताते हैं आपको। मैगी कैसे लगी? बहुत टेस्टी लगी है, बहुत मज़ेदार मैगी लगी है। लोग साइकिलिंग के लिए आए हुए थे तो ब्रेकफास्ट करना था। अपना एक दुकान का नाम शेखर एंटरप्राइज, बहुत बढ़िया मिलता है। और जितना भी हमारे यहाँ थैंक यू। तो गाइस सीपी से साइकिलिंग करके मैं आ चुका हूँ और अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया घर पे दोबारा से। एक बार तो सीपी में मैगी खा ली, अब दोबारा से घर पे ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अब मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो आता हूँ लंच के बाद और मिलते हैं फिर लंच के बाद, ठीक है? तो आज का ब्लॉग हम गाइस यहीं पर ही एंड कर रहे हैं और वीडियो की एडिटिंग भी पूरी हो चुकी है और 8 बजे आपको चैनल पे मेरे ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो जाके शेयर करें फटाफट से 8 बजे और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।